नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार नौ में सवाल पूछा गया एंड क्वेश्चन से द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लानिट एम अबाउट द सन एस द शेडिड एरिया एस सी डी इज ट्वाइज द शेडिड एरिया एस ए बी इफ टीवन इज द टाइम फॉर द प्लानिट टू मूव फ्रॉम सी टू डी एंड टी टू इज time टाइम इट मूव फ्रॉम ए टू बी देन हमें टी वन और टी टू को कंपेयर करना है हमारे ऑप्शन है टी वन इज इक्वल टू फोर टी टू टी वन इज इक्वल टू टू टी टू या फिर टी वन इज इज इक्वल टू टी टू या फिर इन जनरल टी वन इज ग्रेटर देन टी टू ना कैप्लस के सेकंड uh, लॉ का सवाल है कैप्लस सेकेंड लॉ ये कहता है कि एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट ऑन द सेट सॉरी एरिया स्वर्प्ट कैप्लस लॉ ये कहता है कि एरिया स्वर्फ्ट बाय अ सेटेलाइट ऑन द प्लेनेट इन अ गिवन टाइम विल बी कांस्टेंट। सो एरिया स्वर्फ्ट को यहाँ समझने की ज़रूरत है अक्सर स्टूडेंट इस पर कन्फ्यूज़ कर जाते हैं मैं अपनी क्लासेस में एरिया स्वर्फ्ट ऐसे समझाता हूँ जैसे कार की विंडशील्ड पे अपना वाइपर लगा होता है तो ये अगर आपका वाइपर है इसको हमने फिक्स कर रखा है तो इसको आप मानें आपका प्लानेट है और ये सेटेलाइट एरिया स्वाइप कर रहा है तो ये जो आपका एरिया स्वाइप हुआ है इसको हम कहते हैं कि एक गिवन टाइम में जो एरिया स्वाइप हुआ है अगर उसका दूसरा एरिया भी सेम है तो टाइम सेम होएगा टाइम डबल है तो एरिया डबल होएगा एरिया हाफ है तो टाइम हाफ होएगा सो सेम टाइम में सेम एरिया स्वाइप होगा ऑन द प्लानट हालां बड़ा इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट uh, को समझना सो so, एक बार इस ग्राफ को देखते हैं सो so, ये जो हमें डायग्राम दिया हुआ है ये डायग्राम कुछ ऐसा कहता है कि मान लीजिए यहाँ आपका सन है और आपके दो पाथ इसने ट्रेवल किए हैं एक सी और एक डी और दूसरा है यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए और ये पॉइंट बी और यहाँ से यहाँ तक का एक एरिया है अपना और एरिया स्वर्प्ड ऑन द प्लानट है दूसरा ये है इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का सो ये आपका दूसरा एरिया है और हमें दिया हुआ है कि ये एरिया जो है ए और ये एरिया जो है ए ए टू आपका ट्वाइस एरिया है ए वन के तो नाउ अगर एरिया ट्वाइस है इस मीन्स इट मीन्स यहाँ का टाइम अगर टी टू लगा है और यहाँ का टाइम टी वन है लेट्स सी इफ़ टी वन इज़ द प्लान ये वाला टाइम टी वन है और ये वाला एरिया ए वन कह लेते हैं ये वाला टाइम टी टू है ये वाला टाइम ए टू है सो तो हमें दिया हुआ है कि ए वन इज़ इक्वल टू ट्वाइस ए टू और तो हमें टी वन पे कंपेयर करना है केपला लॉ है कहता है कि अगर एरिया डबल है तो टाइम भी डबल होएगा तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टी वन विल बी इक्वल टू टवाइस टी टू बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम नाउ टू गिव यू सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑन दिस हम ये कहते हैं कि ए प्लस का सेकेंड लॉ इट सेज दैट डी ए बाई डी टी एरिया स्वेप्ड ऑन द प्लैनेट एरिया आपका कितना स्वेप्ड हुआ है दिस इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई टू एम सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट अगर ज़रूरत पड़े तो इसको भी ध्यान रखना हालांकि